बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने का, सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। दोस्तों, आज हम आपको बरेली शहर में मुकद्दस दरगाहें दिखाएंगे। हमें ये मौका दिया है अल्लाह तबारक व ताला ने। आज हम बरेली शहर में दरगाह शरीफों की ज़ियारत कर रहे हैं और आपको भी ज़ियारत करा रहे हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं खाने देते उनका मंगता वो जो मंगता, नहीं खाने देते ये खवाले मुझे रुसवा नहीं खाने देते। शाह दाना वली की मज़ार शरीफ हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे। शाह दाना वली की बहुत सी करामातें हैं, ये आप बराबर में देख सकते हैं, ये मस्जिद है। कहा जाता है शाह दाना वली के कहने पर ही बरेली शरीफ के पास में गंगा नदी आई थी। शाह दाना वली की मज़ार अंदर की दरगाह का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं खाने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं खाने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं खाने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं खाने देते, उनका मंगता। दोस्तों, शाह दाना वली का उर्स 11वीं शरीफ के महीने में इनका उर्स होता है। आपको भी कभी मौका मिले तो यहाँ पर बलियों की बारगाह में हाजिरी देने ज़रूर आना। यहाँ पर बहुत ही लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इनके फैज़ का दरिया बहता ही रहता है। शाह दाना वली के मज़ार शरीफ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शाह दाना वली के फैज़ का दरिया आम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर इनका फैज़ याब जारी है। सभी यहाँ पर आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी के मज़ार शरीफ के करीब गलियों में। अब आपको हम दरगाह शरीफ आला हज़रत की ज़्यारत कराएंगे। और दोस्तों, आला हज़रत की दरगाह के करीब जो दुकानें हैं, यहाँ से हमने तोहफ़ा आला हज़रत लिया है। वह तोहफ़ा भी हम आपको दिखाएंगे
इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से आखिर तक। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के मानने वाले उन्हें आला हजरत के नाम से याद करते हैं। आला हजरत बहुत बड़े मुफ्ती, आलिम, हाफिज, लेखक, शायर, धर्मगुरु और भाषाविद, युग परिवर्तक तथा समाज सुधारक थे, जिन्हें उस समय के प्रसिद्ध अरब विद्वानों ने ये उपाधि दी थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला व मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति प्रेम भरकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जीवित करके इस्लाम की सही रूह को पेश किया। आपके वालिद साहब ने 13 वर्ष की छोटी सी आयु में अहमद रजा को मुफ्ती घोषित कर दिया था। उन्होंने 55 से अधिक विभिन्न विषयों पर 1000 से अधिक किताबें लिखीं, जिनमें तफसीर हदीस उनकी एक प्रमुख पुस्तक जिसका नाम अद्दौतुल मक्किया है, जिसको उन्होंने केवल 8 घंटे में बिना किसी संदर्भ ग्रंथों के मदद से हरम शरीफ में लिखा। उनकी एक और प्रमुख किताब फताबा रिजविया इस सदी के इस्लामी कानून का अच्छा उदाहरण है, जो 13 विभागों में वितरित है। इमाम अहमद रजा खान ने कुरान करीम का उर्दू अनुवाद भी किया, जिसे कंजुल ईमान नाम से जाना जाता है। आज उनका तर्जुमा इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, फारसी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, अफ्रीकी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। आला हजरत ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने वालों को कुरान और हदीस की मदद से मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपके ही जरिए से मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, अख्तर रजा खान, अजहरी मियाँ जैसे बुज़ुर्ग इस दुनिया में आए, जिन्होंने इल्म की शान को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। जब आला हजरत हज के लिए गए थे, तब उन्होंने हुजूर के दीदार करने की तलब हुई। उन्होंने इस तलब में एक कलाम पढ़ा, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जिनका रो